Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. प्रश्न है, हम टाइम मैनेजमेंट को कैसे समझें, कैसे अपनाएं? सबसे पहले आज की दुनिया के लिए दो तीन चीजें अपनानी बहुत जरूरी है। उसमें फर्स्ट थिंग यह है कि टाइमली सोना सीखो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ से होती है कि आदमी सोता ही 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, है ना? वो सेल फोन पे कोई ना कोई प्रोग्राम देख रहा है, कुछ चल रहा, गाने चल रहे, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। तो आप टाइम पे सोना सीखो, मतलब अपनी बॉडी का सुनना सीखो, क्योंकि टाइम से क्यों हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, समझ क्यों नहीं आ रहा, टाइम को सुनना क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप खुद के साथ हारमोनी में नहीं है। बाकी सबके साथ तो छोड़ो, हम खुद के ही साथ हारमोनियस नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें कब सो जाना चाहिए। हमें बहुत लास्ट पता चल रहा है, यू नो, फर्स्ट कॉलिंग पे समझ ही नहीं आ रहा। फर्स्ट कॉलिंग हमें सुनाई नहीं देती मुझे कब सोना है। जब हमारी बॉडी पूरी थक जाती है ना, तब हम जाके सोने की सोचते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो टाइम पे सोना, खुद को सुनो कि बॉडी कह रही है सोना है तो सो जाओ, फिर कितने भी जरूरी काम है छोड़ दो। अभी अभी रूस के अंदर एक नया ये एक अभियान चला है रूस के अंदर कि सब लोगों को 10 बजे तक अपने बच्चों को सुला देना। वहाँ स्कूल्स और हॉस्टल्स के अंदर ये नियम लागू कर दिया गया है कि अगर बच्चे का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ ड्यू टू कि वो 10 बजे सो गया तो कहते हैं माफ़ कर देंगे, लेकिन 10 बजे तक सुलाना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे होमवर्क कम्प्लीट ना हो। क्योंकि अगर बच्चा टाइम पर सोएगा नहीं तो उसका जो नरिशमेंट होना चाहिए प्रॉपरली वो नहीं होता, और जब वो अपने आप के साथ प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होएगा तो सुबह उठकर के उसका ब्रेन कैसा वर्क करना चाहिए वैसा नहीं करता। तो टाइम मैनेजमेंट में फर्स्ट थिंग हम सबको अपनाने की आवश्यकता है वो है टाइम पे सोना। और टाइम सबका अपने बॉडी क्लॉक है, और ये बॉडी क्लॉक आपको समझ आती है, आपकी बॉडी आपको बताएगी कि कब आपको सोना है, सो जाओ। और सेकेंड थिंग जो आपको अपनाने योग्य है वो है टाइम पे चलना। जैसे ही अंदर से जाग आ गए, वो जाग 5:30 आई, जाग आपको 6:30 आई, आपको जाग आ गई, उसके बाद बिस्तर में मत पड़ेगा, जाग आते बिस्तर छोड़ दो। जाग आना और उठने में अंतर होता है अक्सर, है जाग आती है और उठते हैं तब तक में 1-2 घंटा भी हम कई बार बिता देते हैं। हम सब है ना, सब एक ही मिट्टी के आदमी, तो आदमी नहीं हम सारे लोग। तो इतनी सी प्रैक्टिस सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी कि नींद आने लगी सो जाओ, जाग आई बिस्तर छोड़ दो, फिर कितना भी जरूरी काम है छोड़ दो, क्योंकि उस टाइम एनर्जी लेवल वैसे ही वीक हो गया। अब काम करने जाओगे तो जो काम आप 10 मिनट में कर सकते हो उसको करने में आप 20 मिनट लगेंगे या 30 मिनट लगेंगे। तो अच्छा ये है, टाइम पे सो जाओ और जाग आते ही बिस्तर छोड़ दो, पहले 2 काम करना सीखो टाइम पे, ठीक है? उसके बाद आप तीसरी प्रैक्टिस ये करो कि जब अपने अंदर से सुबह उठ के पूछो कि आज के दिन में क्या क्या करना है, आपके पास में क्या क्या लिस्ट है, व्हाट टू डू, उसकी लिस्ट बना कर आप अपने कामों के लिए, ये नहीं कि मैं इतने टाइम में ये करूँगा, आपके लिए करो ये काम आज के दिन के पूरे हो जाए बस। उसके बाद में जब अंदर से जैसे जैसे प्रेरणा आए वो काम करते जाओ। लेकिन जहाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, जैसे फालतू कामों में बैठ गए, वहाँ से उठा नहीं जा रहा, जैसे खाना खा लिया है लेकिन टेबल से उठने का आलस आ रहा है, तो जहाँ आपको लग रहा है कि काम पूरा हो गया लेकिन आप वहाँ से डिस्कनेक्ट हो नहीं पा रहा, उस पॉइंट पर वापस अपने आप को टकोड़ दो, खुद को टकोड़ दो कि अब क्या हो गया ना, चलो यहाँ से। तो कई बार क्या होता है, हम उन लोगों की तरह, वो पुराने लोगों थे ना कि आदमी बोलना चालू करता है तो गैप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है, इसको ऑफ करना नहीं आता, इसके पास ऑफ का बटन ही बोलते ही चला जाता है। तो मतलब न केवल बोलने में, खाने में क्या, किसी भी काम में क्या, हमारा चालू हो जाता है तो ऑफ का करना, स्टॉप का करना हमें समझ नहीं आता है। तो टाइम मैनेजमेंट की तीसरी चीज़ ये सीखने वाली बात है कि हमें कब रुकना है। कोई भी काम पूरा हो गया उसके बाद में उस फाइल को क्लोज करो और वहाँ से अपने आप को हटा लो। ये 3 बातें आप प्रैक्टिस के साथ करो तो चौथी घटना अपने आप से घटेगी कि अंदर से प्रेरणा आएगी, इस समय ये काम करो, इस समय कार्य मत करो, क्योंकि आत्मा समय है। ध्यान देना।
आत्मा समय है, समय आत्मा। ये बात अपने से अधिकांश लोग नहीं जानते कि आत्मा ही समय है और समय ही आत्मा है। अगर हम समय को सुनते हैं तो हम आत्मा को सुनते हैं, अगर हम आत्मा को सुनते हैं तो हम समय को सुनते हैं। अभी अगर आप शब्दों में सुनो मेरी बात को, फिर गौर करवाना, गौर करोगे तो अपने अनुभव से समझ में आएगा कि अंदर से सबको पता लगता है कब कहाँ क्या करना है। पता क्यों नहीं लगता है? उसका कारण यह है कि वो आदमी अपने आप के साथ ही हार्मनी में है, और हार्मनी में आने के लिए कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं कि समय पे सोना, समय पे जलना, और तीसरी बात जिस काम पे लग रहा है आप अब लंबा करते जा रहे हो, उसको आलस में लंबा करते जा रहे हो, उस काम पे अपने आप को कट की पत्ती लगाओ और वहाँ से हट जाओ, तो फिर आपको अंदर से समझ आएगा अब नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट लग जाएगा। अभी इतना ही कहती हूँ, इसको अपनाओ, अगर अपना के कुछ रिजल्ट आते हैं तो फिर नेक्स्ट आगे और बात करेंगे। जय गुरु।